सो गया नाराज होकर। ना को हाँ में बदलना नामुमकिन है साई, बड़ा गुस्सेल स्वभाव है उनका। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनका पीर फकीरों पर विश्वास ही नहीं है। आपकी महानता जाने बगैर वो। मैंने कहा ना ताई, कौन कब कहाँ आता है कहाँ जाता है सब मालिक तय करते हैं। जब ऊपर वाला चाहेगा तब आपके रामचंद्र जी भी शिरडी आ जाएंगे। अब आपने कह दिया तो मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। बस अब अपनी तरह उन्हें शांत रहना सिखा दीजिए। आप ही ने कहा था ना, भाई बहन का धर्म होता है एक दूसरे की मदद करना। तो क्या आप अपनी इस बहन की ये मदद नहीं करेंगे? सही वक्त आने पर सब ठीक हो जाएगा ताई, लेकिन अभी वो वक्त नहीं आया है। तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया। ओम साई ओम। रामचंद्र बाबू, समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? वो नहीं सुनेंगे तो नहीं सुनेंगे। सुनना होगा उन्हें। आज मैंने तय कर लिया है कि या तो मैं अपनी बात मनवा के रहूंगा या फिर योगस्य कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो हो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। ये क्या कर रहे हो रामचंद्र बाबू? अंदर मत जाओ। जाऊंगा, देखता हूं आज बड़े बाबू मुझसे कैसे बात नहीं करते हैं। रुक क्यों गए आप साई? आगे बताइए ना। ताई, उठो और अभी इसी वक्त पंढरपुर जाओ। से कोई गलती हुई क्या? तुम्हारा वहां जाना बहुत जरूरी है ताई। तात्या, ताई के जाने का प्रबंध करो तुरंत। साई की बात मान लो बेटी, इतने सालों में हमने एक बात सीखी है। साई जो कह रहा है वो भले ही शुरू में हमारी समझ में ना आए, लेकिन बिना किसी सवाल किए उस बात को स्वीकारना, इसी में हमारी भलाई है। अगर वो जाने के लिए कह रहा है तो जरूर कोई वजह होगी।
चलिए ताई। लगता है आज भाऊजी घर पे ही है। सुन, प्यार से उनको मनाना शिरडी चलने के लिए। हाँ, अब मैं चलती हूँ। रुक सावित्री, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। इस वक्त तो इन्हें दफ्तर में होना चाहिए और घर पर ताला, लेकिन घर तो अंदर से बंद लग रहा है। भाऊजी ने छुट्टी ली होगी आज। नहीं सावित्री, बीमारी में भी वो छुट्टी नहीं लेते। पता नहीं क्यों मुझे अंदर से बेचैनी हो रही है। साई का हमारा अचानक से वहां चले जाने के लिए कहना और यहाँ पे ये, मुझे अकेले अंदर जाने में डर लग रहा है। यहां तक मेरे साथ आई हो, अंदर भी चलो ना। ठीक है, चलो। ओम साई राम। जी कहिए, आप कौन है और आप मेरे घर में क्या कर रहे हैं? आपका घर? ये तो मेरा घर है। ये कैसे हो सकता है? ये घर तो सरकार की तरफ से मेरे पति को मिला है। मेरे पति का नाम रामचंद्र बोरकर है, मैं उनकी पत्नी चंद्रा। अच्छा अच्छा, आप रामचंद्र जी की पत्नी है। नमस्कार वहिनी, आप सही है। ये घर उन्हें ही मिला था, लेकिन सरकार ने अब ये घर मुझे दिया और आज सुबह ही मैं अपने परिवार के साथ यहाँ रहने आया हूँ। ऐसे कैसे? क्या आप नहीं जानती? क्या ये मकान तो रामचंद्र जी ने कल ही खाली कर लिया था और आज हम आ गए। आज से मकान हमारा है। चंद्रा, संभाल खुद को। लेकिन इनके पति कहाँ है? मुझे नहीं पता, मेरे आने से पहले वो चले गए थे। अब आपको ही उनका पता लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने उनको देखा तक नहीं। क्षमा कीजिए,
मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। चंद्रा कहाँ गए होंगे? मेरे जाने के बाद यहाँ क्या हुआ सावित्री? साई ये सब कुछ मेरे साथ क्या हो रहा है? साई मेरी मदद कीजिए। साई साई श्रद्धा और सबूरी रखो ताई। ऐसा क्या हुआ होगा जो घर खाली कर दिया इन्होंने? कहाँ गए होंगे वो? चिंता ना कर चंद्रा, भाऊजी के दफ्तर जा रहे हैं ना हम, वहां पता चल जाएगा सब। तू सबूरी रख। भाऊजी, भाऊजी ये कहाँ है? अंदर के कमरे में है क्या? मुझे समझ में ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। मैं अभी अभी शिरडी से आई हूँ, घर गई थी तो वहां देखा, वहां कोई और ही रह रहा है, और उन्होंने मुझे बताया कि इन्होंने मकान खाली कर दिया है। अंदर होंगे तो बुलाइए ना उन्हें। आप नजरें क्यों चुरा रहे हैं? क्या हुआ है यहाँ? वो वाहिनी रामचंद्र भाऊ। चुप क्यों हो गए भाऊजी? बताइए ना क्या हुआ? रामचंद्र भाऊ कई दिनों से बड़े बाबू से बात करना चाहते थे, और बड़े बाबू उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं थे, टाल रहे थे। बहुत सब्र किया उन्होंने, लेकिन कल उनके सब्र का बांध टूट गया। ये क्या बदतमीजी राम? हैं? मैंने तुमसे कहा था ना मैं अभी व्यस्त हूं, मैं तुमसे बाद में बात कर लूंगा। अभी तुम बाहर जाओ। जाओ, नहीं जाऊंगा। आपको मेरी बात सुननी होगी। लोगों की जान की कीमत पर यह पुल नहीं बनेगा। पुल बनेगा, वही बनेगा और जरूर बनेगा। अपने अहंकार और लालच में आप इतने अंधे हो गए हैं कि लोगों की जान को दांव पर लगा रहे हैं। आप लोग पुल नहीं बना रहे हैं, बल्कि बेगुनाहों की जिंदगियों को मौत के घाट उतारने की तैयारी कर रहे हैं। आपको यह एहसास ना हो कि यह पुल ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगा, इतने तो मूर्ख नहीं है आप? फिर क्यों कुछ पैसों के लिए आप अपना ईमान बेच रहे हैं, लोगों के जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? अपनी औकात पर रामचंद्र, औकात तो आप भूल रहे हैं। इसीलिए आप अपने पद, अपनी जिम्मेदारियों से अपने आप को ज्यादा महत्वपूर्ण समझ रहे हैं, मगर मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। न रहेगा बांध, न बजेगी बांसुरी। मेरे हिसाब से आपकी बनाई हुई योजना इसी लायक थी। आपकी बनाई हुई योजना बकवास थी, कूड़ेदान में फेंकने लायक थी, और मैंने वही किया। आपने सोच कैसे लिया कि मैं अपने उसूलों के खिलाफ जाकर अपने जमीर को गिरवी रखकर यह पुल बनने दूंगा? अगर तुम पुल नहीं बनाओगे राम,
कोई और बना लेगा। पुल तो वही बनेगा जिसे मैंने पास किया। तुम अपने आप को बहुत बड़ा तुर्रम खान समझते हो ना, तो भुगतो। तुम्हारी इस बदतमीजी के लिए मैं तुम्हें निलंबित करता हूं। वो भी 1 माह के लिए, बिना वेतन का। काम नहीं तो वेतन कैसा? समझे? आप मुझे क्या निलंबित करेंगे? आप जैसे भ्रष्ट और मुजरिम लोगों के साथ काम करने से मैं खुद इनकार करता हूं। और मैं अभी इसी वक्त इस नौकरी से इस्तीफा देता हूं। रामचंद्र भाऊ ने उसी समय इस्तीफा लिखा और निकल गए। यहां से जाने के बाद उन्होंने मकान खाली कर दिया। मकान खाली करने के बाद वो गए कहां? ये तो मुझे भी नहीं पता बहन। आप एक बार कुड्डूवाड़ी जाकर मुख्यालय में पूछ लीजिए। हो सकता है रामचंद्र भाऊ यहां से निकल के वहां गए हों और वहां किसी को उनके बारे में पता हो। अच्छा हुआ हम दिलावर जी से मिलने गए। सही, मुझे वहां जो बात सबसे अच्छी लगी, उन्होंने अमीर हो या गरीब, दावत में सबको समान रूप से स्वागत किया, किसी में कोई फर्क नहीं किया। दिलावर अल्लाह का बंदा है केशव, और जो भी ईश्वर के करीब जाता है वो भेदभाव भूल जाता है, क्योंकि ईश्वर को पाने की दिशा में बढ़ाया गया यही पहला कदम होता है। सही कहा आपने साईं। साईं, 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 इन लोगों से मुझे बचाइए, मेरी मदद कीजिए। साईं, मदद कीजिए। प्रणाम साईं, हम आपको जानते हैं, आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन आपसे एक अनुरोध है कि आप इस मामले से दूर ही रहें, क्योंकि ये हमारे गांव का निजी मामला है और हमारे संस्कृति से जुड़ा हुआ भी है। ये दुष्ट आदमी पापी है और हम इसे इसके पाप की सजा दे रहे हैं, तो आप हमें ना रोकें। ऐसा क्या पाप किया है इसने? एक तो ये नीचे जाति का है और दूसरा हम ऊंचे जाति के लोगों के क्षेत्र में अपना घर बनाने की गुस्ताखी कर रहा है। आपका क्षेत्र? ये सीमा देख रहे हैं साईं, सीमा के इस पार हम लोग रहते हैं और सीमा के उस पार इसके जाति के लोग, और यही हमारे गांव की परंपरा रही है। लेकिन ये खुद को इतना बड़ा समझने लगा है कि हमारी जमीन पर अपना घर बनाने की जरूरत कर रहा है। ये देखिए साईं, आप लोगों की घोषित सीमा से केवल 2 कदम ही तो आगे बढ़ा है ये बेचारा, और देखने से ऐसा लग रहा है कि काफी छोटा घर बनाने की कोशिश की है इसने।
इस बात के लिए इतनी बड़ी सजा? हीरा चोर या खीरा चोर, करता तो चोरी है ना। किसने गुनाह किया है, दुस्साहस किया इसने। सोचा भी कैसे कि ये हमारी बराबरी करेगा। घर बनाने का हक तो सबको है, अगर इसने ऐसा सोचा है तो ये इसका गुनाह नहीं है, इसकी मूल आवश्यकता है। और मूल आवश्यकता का कोई हनन नहीं कर सकता है। हमने इसकी किसी भी अधिकार का हनन नहीं किया है साई, हनन तो इसने किया है अपनी मर्यादा भूलकर, ये सीमा तोड़कर। ये छोटी जाति का है, इसे आपने समाज के बीच अपना घर बनाकर उनके साथ रहना चाहिए। इन लोगों से साफ कहा गया है कि ये सीमा के उस पार रहेंगे, लेकिन इसने हिमाकत की, बरसों से चली आ रही परंपरा को तोड़ा है इसने। हम इसे इसी पाप के लिए सजा दे रहे हैं। अगर इसे आज सजा नहीं दी तो कल इसके जैसे और लोग यही जुर्रत करेंगे। इन लोगों से साफ कहा गया है कि ये सीमा के उस पार रहेंगे, लेकिन इसने हिमाकत की, बरसों से चली आ रही परंपरा को तोड़ा है इसने। हम इसे इसी पाप के लिए सजा दे रहे हैं। अगर इसे आज सजा नहीं दी तो कल इसके जैसे और लोग यही जुर्रत करेंगे। जब तुम देख रहे हो कि ये लोग तुम्हें अपना नहीं मान रहे हैं, तो तुम यहां क्यों रहना चाहते हो? मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें बेहतर जगह देता हूं घर बनाने के लिए। मुझे माफ कर दीजिए साई बाबा, मैं तो सीमा के बस दो कदम आगे अपना घर बना रहा था, इनके गांव के बीच में नहीं। और उस जगह घर बनाने की एक खास वजह भी है मेरे पास। कैसी वजह? मेरे बाबा इस गांव में सफाई कर्मचारी थे, इस गांव की बरसों सेवा की उन्होंने। कई साल पहले सफाई करते वक्त मेरे बाबा को उस जमीन के नीचे विठोबा की मूर्ति गड़ी हुई मिली। तो उनकी एक इच्छा थी, जहां वो भगवान विठोबा से मिले वही उनका घर बने, इसीलिए मैं यहां पर घर बनाना चाहता हूं। ये सब बकवास है। भला भगवान विठोबा एक छोटी जाति वाले इंसान को क्यों मिलेंगे? दो कदम तो क्या, हम अपने इलाके में तुझे घर बनाने नहीं देंगे, क्योंकि तुझे यहां घर बनाने दिया तो हमारा पूरा गांव दूषित हो जाएगा। ये सारी जमीन उसी ईश्वर ने बनाई है जिसने इस आदमी को बनाया है। जब इस जमीन और इस आदमी को बनाने वाला एक है, तो इस बेचारे के यहां रहने से जमीन दूषित कैसे हो जाएगी? और अगर मान भी लिया जाए कि आपके क्षेत्र में इसके रहने से जमीन दूषित होती है, तो फिर जब आप इन लोगों को साफ सफाई के लिए बुलाते हैं तब आपका गांव दूषित नहीं होता है? बोलिए। और अगर गांव दूषित नहीं होता है तो इसके यहां रहने से क्या फर्क पड़ता है?
अगर ऐसे लोग आपके यहाँ आकर काम करें तो आप अपने आप को इनसे ऊंचा समझते हैं, और अगर आपके यहाँ आकर घर बनाएं तो समझते हैं कि आपकी बराबरी कर रहे हैं। ये परंपरा नहीं है, आपके स्वार्थ, आपके वर्चस्व, आपकी सुविधा को बनाए रखने के लिए पाखंड है, अन्याय है। ये नियम हमने नहीं बनाए साईं, सदियों से चले आ रहे हैं, हमारे पूर्वजों ने बनाए हैं। अगर इसे यहां घर बनाने दिया तो हमारे पुरखों का अपमान होगा। नहीं साईं, इस मामले में हम आपकी एक नहीं सुनेंगे। आपको हमें हमारी संस्कृति, हमारे रिवाज सिखाने की आवश्यकता नहीं है। ये यहां पर घर नहीं बना सकता है तो नहीं बना सकता है। हम चाहे जितनी कोशिश कर ले, लेकिन राम जी की मर्जी के सामने हमारी एक नहीं चलती। राम जी के लिए सब एक समान है, वो सिर्फ इंसान की अच्छाई और बुराई देखते हैं। आप लोग मेरी बात से इनकार कर सकते हैं, लेकिन अगर राम जी की मर्जी हुई तो इसका घर यहीं बनेगा। और आप में से कोई भी इसे रोकने में सक्षम नहीं होगा। सोच चाहे इसे छोटी जात का समझे, लेकिन ईश्वर के लिए यह उनका प्रिय है, और इसका प्रमाण है पहले तो इसके बाबा को विठोबा के साक्षात्कार होना, और अब स्वयं राम जी ने इसका घर बनाना। Thank you.
अब आप ही बताइए, ईश्वर किसके साथ है? सही कौन है और गलत कौन? कितनी बड़ी गलती कर दी साई हमने, हमें माफ कर दीजिए। फिर से ऐसा कभी नहीं होगा। माफी मुझसे नहीं, उससे मांगी है जिसके आप सब गुनहगार हैं। हमें हमारे गलती का एहसास हुआ है भाऊ, हमें माफ कर दो। हमें माफ कर दो। मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है, बस मुझे इस घर में रहने दीजिएगा। आप सबने इसको मारा, फिर भी इसने आपको माफ कर दिया। यही कारण है कि ये विठोबा का इतना प्रिय है। क्योंकि वो जात धर्म नहीं देखते हैं, देखते हैं तो इंसान की नीयत और नेकी। आज के बाद इस गांव में कोई ऊंच नीच की बात नहीं करेगा। हम सब एक साथ एक परिवार की तरह रहेंगे, ये मेरा वादा है। साई, आज आपने फिर से सिद्ध कर दिया कि आप ईश्वर का ही रूप है। जैसे वो किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करता, उसी तरह आप भी सबको एक ही नजर से देखते हैं। आज आपके कारण मेरा ही नहीं, मेरे जैसे कई लोगों का भला होगा इस गांव में, जो ऐसे भेदभाव को सहते आ रहे थे। शुक्रिया साई, शुक्रिया। हमें हमारी गलती का एहसास कराने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया साई। राम जी भला करे। चंद्रा, सावित्री कुछ पता चला? मैंने पता किया, हरि से पता चला है कि रामचंद्र भाऊजी ने उनका सारा सामान बैलगाड़ियों से तुम्हारे घर विले पार्ले भेज दिया है, पर वो साथ नहीं गए। मैंने सारे गांव में भी ढूंढा, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। तुम मुख्यालय गई थी ना, वहां कुछ पता चला? नहीं, वो तो मुख्यालय भी नहीं गए, पता नहीं कहाँ चले गए, किस हाल में होंगे वो। तात्या, जी साईं, हिना की सुगंध वाली अत्र लाओ जल्दी। ठीक है साईं। नीचे साईं। क्या हुआ साईं, आप अचानक से इतने चिंतित क्यों हो गए? सबक सबूरी के ही
जिसने सिखाए उसी की परीक्षा के ये पल हैं आज आए। बदरा बुराई के ये जितने भी छाए साई मेरे अच्छाई का जल बरसाए। कष्ट जो अपार साई हंस के उठाए। मन में साई के क्या है कौन जान पाए। ओम साई मैं ध्यान लगा रहा हूं एक दिन के लिए। कोई मुझे आवाज नहीं देगा और कोई मुझे जगाएगा नहीं, ये तुम सुनिश्चित करोगे तात्या? ठीक है साईं। रामचंद्र भाऊजी जहां भी होंगे अच्छे से होंगे। तू अपने मन से बुरे ख्याल निकाल दे। निकालना तो चाहती हूँ सावित्री, पर तुम उनका गुस्सा जानती हो। उनका गुस्सा इतना खराब है ना कि कहीं कुछ उल्टा सी। ऐसा मत सोच चंद्रा। याद कर साई ने क्या कहा था। ये सोच सब ठीक होने वाला है। कोई खुशबू आ रही है? हाँ खुशबू बड़ी तेज है और अचानक से आई है। ये खुशबू तो बढ़ती जा रही है और कुछ कुछ जानी पहचानी सी खुशबू है। जानी पहचानी सी है। हीना की खुशबू है। ये खुशबू याद रखना हमेशा। हो सकता है आगे चल के मददगार सिद्ध हो जाए। हीना, हीना के इत्र की खुशबू है सावित्री। ये इत्र तो मुझे साई ने लगाया था। कोई इशारा तो नहीं? अरे हाँ तू सही कह रही है, मुझे भी याद आ गया। चलो पता लगाते हैं कि खुशबू कहां से आ रही है। साईं को कौन समझाए इस उम्र में इतनी देर तक खाए पिए बिना इतनी देर तक साधना करना उनकी सेहत के लिए ठीक बात नहीं है। साई इन सब से ऊपर है रेहाना। जिस तरह अन्न जल हमारा पोषण करता है उसी तरह जरूरतमंदों की सेवा से साई को पोषण मिलता है, एक ऊर्जा मिलती है।
और इसीलिए अब मैं भी ये सब करने से उसे रोकती नहीं हूं। बस यही प्रार्थना करती हूं कि वो ये सब जिसके लिए भी कर रहा है उसकी मुश्किल जल्द ही हल हो जाए। मुझे तो पूरा यकीन है साई ये ध्यान चंद्राताई के लिए कर रहे हैं। आपको तो पता है भाई साहब का, कल साई ने अचानक चंद्राताई को पंढरपुर वापस भेज दिया था और आज ये ध्यान, मुझे तो चंद्राताई की चिंता हो रही है। चिंता तो उसकी करनी चाहिए जो तूफान में अकेला हो। चंद्रा के साथ साई है, उसकी उंगली थाम कर चल रहा है। चंद्रा के साथ कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। मुझे यकीन है सब ठीक हो जाएगा, मेरा साई सब ठीक कर देगा। महिमा मेरे साई कौन जान पाया। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। चंद्रा, इतर की खुशबू तो इस दिशा से आ रही है। सही दिशा में आ रहे हो तुम लोग। इत्र की खुशबू यहाँ तक ले आई है, पर आगे कहाँ जाना है कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। कहाँ जाऊँ, कौन सी दिशा में जाऊँ? आगे की दिशा अल्लाह दिखाएगा, बस उस पर भरोसा रखो। उन्हीं के तो भरोसे हूँ बाबा, पर ऐसे कब तक भटकती रहूंगी? कब मिलेगी मुझे सही दिशा? जब उसके भरोसे हो तो दिशा क्यों ढूंढ रही हो? दिशा तो तुम्हें मिल चुकी है। दिशा पानी है तो तुम्हारे पति को। क्या आपने उन्हें देखा है? मैं तो एक मुसाफिर हूं, एक जगह ज्यादा देर तक नहीं टिकता, और लोगों से नहीं मेरा कोई मतलब है। अल्लाह सब देख रहा है, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। Oh,
विनीता से तुम्हारे लिए मदद मांगी तो उन्होंने ये दी रेलगाड़ी की टिकट। आने वाली पहली गाड़ी पकड़ लो और दौन पर उतर जाना। अल्लाह की यही मर्जी है। लेकिन बाबा मेरे पति तो यहाँ खोए हैं और हमारा पुश्तैनी घर तो विले पार्ले में है, तो मैं दौड़ क्यों जाऊं? मालिक कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। तुम जल्द से जल्द दौन पहुंचो। बाबा मैं आपकी और आपके दी हुई सलाह की इज्जत करती हूँ, पर मैं अपने फर्ज से मजबूर हूँ। मैं बेवजह अभी कहीं नहीं जा सकती। मुझे मेरे पति को यही ढूंढना है। अल्लाह की मर्जी को ना पहचानना उसकी रहमत से मुंह मोड़ लेना। बाबा अगर उम्मीद की एक किरण भी होती कि मेरे पति दौड़ जा सकते हैं तो मैं नंगे पैर वहां दौड़ी चली जाती, लेकिन वो उस इलाके जा ही नहीं सकते क्योंकि वहां ऐसा कोई नहीं है जिन्हें वो जानते हो। माफ कीजिए बाबा और आपकी मदद के लिए धन्यवाद। इत्र के खुशबू से लगा साई का कोई संकेत होगा, लेकिन ये तो इत्तेफाक निकला। बेटी, जब तक तुम्हारे कलाई पे ये धागा बंधा है तुम रास्ता भटक ही नहीं सकती। टिकट है, इसे हम झुठला तो नहीं सकते कि जो भी हमने देखा वो हमारा भ्रम है। और अभी अभी तो हमने उनकी आवाज सुनी थी, हमने मुड़ के देखा तो वो फकीर बाबा गायब। ऐसे कैसे हो सकता है? चंद्रा, तू मान या न मान, लेकिन मुझे लगता है कि वो फकीर बाबा कोई और नहीं, साई थे। साई जो तुझे कोई संकेत देने आए थे। साई कैसे हो सकते हैं? साई होते तो साई के रूप में होते, और फिर वो हमें दौड़ जाने के लिए क्यों कहेंगे? वो सब मुझे नहीं पता। ये टिकट और विश्वास लेके हम दौड़ जाएंगे, बाकी जैसे साई सही समझे। Thank you.
कुछ भी नहीं मिला अंदर स्टेशन में, कोना कोना छान मारा। तू सही कह रही थी, रामचंद्र बाबू जी यहाँ क्यों आएंगे? आखिर उनके पास कोई वजह तो होनी चाहिए यहाँ आने के लिए। यहाँ आना व्यर्थ था, पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा था कि हमें यहाँ कोई तो जवाब जरूर मिलेगा। देख चंद्रा, तेरी दशा ऐसी है कि तू कोई भी सही फैसला नहीं कर पा रही है। मेरी बात मान, हम वापस चलते हैं। तू कुछ दिन मेरे घर पे रहना, मुझे पूरा विश्वास है रामचंद्र भाऊजी तेरी ही तलाश में होंगे। वो तुझे ढूंढते हुए आएंगे और तुझे ले जाएंगे, और नहीं आए तो हम शिरडी जाएंगे और सीधे साई से मदद मांगेंगे। आखिर उन्होंने तुम्हें राखी बांधी है, वो हमें मना नहीं करेंगे। अगली गाड़ी आने में काफी समय है, तब तक क्या करें? सुनो दादा, यह प्रतीक्षालय कहाँ पे है? धन्यवाद। दो घंटे में अगली गाड़ी है, उसी से वापस चले जाएंगे। चंद्रा, परेशान हो गई थी आप जानते भी हैं। आप मुझे छोड़कर जा ही कैसे सकते हैं? आपको पता है आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मुझे माफ कर दो चंद्रा, मैं हार गया उन भ्रष्टाचारियों से। उन्होंने मेरे गुस्से को अपना हथियार बनाया और फिर मुझे अपने रास्ते से हटा दिया। तुम्हारे लाख समझाने के बाद भी मैं खुद को बदल ना सका और ना ही खुद के गुस्से पर काबू पा सका। मुझे लगने लगा कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं, तुम मेरे गुस्से के साथ नहीं रह पाओगी, तुम्हें मेरे कारण दुख उठाने होंगे। इसीलिए आप ऐसे सोच भी कैसे सकते हैं? भगवान से अगर मुझे कोई सौगात मिली है तो वो आप हैं। इस जिंदगी ने मुझे अगर कुछ दिया है तो वो आप है। मैं मानती हूं आप अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाते, पर क्या अगर मैं बीमार हो जाती तो आप मुझे छोड़कर चले जाते? भावनाओं में बहकर बहुत बड़ी गलती करने निकला था, इसके बाद ऐसा कभी नहीं होगा। अब मैं तुमसे दूर जाने की कभी सोचूंगा भी नहीं। माफ करो बस आप शांत हो जाइए बस। लेकिन तुम्हें पता कैसे चला कि मैं यहाँ हूँ? मुझे एक फकीर बाबा मिले थे, उन्होंने मुझे दो टिकट दिए और कहा यहाँ आने के लिए। लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है वो साई ही थे। साई? हाँ, मैं जानती हूँ आप विश्वास नहीं करेंगे, पर साई मेरे भाई हैं। पिछले कई जन्मों से
पूछा चंद्रा, ये तुम्हारे शिरडी के साईं दिखते कैसे हैं? कंधे पर झोला लिए, सफेद कफनी पहने हुए, चेहरे पर दिव्य तेज। रुक चंद्रा, रुक। शिरडी में मैंने साई का ये चित्र बनवाया था ताकि अपने मंदिर में रख सकूं। वो अभी भी मेरे झोले में है। ये तो वही हैं जो थोड़ी देर पहले यहां आए थे। क्या? हां, मैं थोड़ी देर पहले यहीं बैठा हुआ था कि तभी आपको मेरी बात सुननी होगी। लोगों की जान की कीमत पर यह पुल नहीं बनेगा। पुल बनेगा, वही बनेगा और जरूर बनेगा। रुको रामचंद्र, इस कमरे में कब आए? इससे पहले तो इस कमरे में मेरे अलावा और कोई नहीं था। और आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? तुम्हारे सवालों से अधिक महत्वपूर्ण मेरे सवाल हैं। पहले उनके जवाब दो। किससे भाग रहे थे और कब तक भागोगे? कहां जाओगे अपनी जिम्मेदारियों से भागकर? लेकिन अब जानता हूं तुम लोगों के स्वार्थ से तंग आ चुके हो, लेकिन तुम्हारे अपने स्वार्थ का क्या रामचंद्र? कभी सोचा है तुमने कि तुम्हारी पत्नी पर क्या बीतेगी? कहां जाएगी वो? कैसे रहेगी तुम बिना अकेले? गुस्सा आया क्योंकि तुम्हारे अधिकारी अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभा नहीं रहे थे, लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी का क्या? एक पत्नी की जिम्मेदारी है तुम पर रामचंद्र, उसे छोड़ के कैसे जा सकते हो तुम? और अगर जाओगे तो तुम में और तुम्हारे अधिकारियों में क्या फर्क रह जाएगा? ये कायरता दिखाकर तुम कभी चैन से नहीं जी पाओगे रामचंद्र। सिर्फ एक ही इंसान है जिसने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है, हर हालत में अपना पत्नी धर्म निभाया है। ऐसी पत्नी को छोड़ के कैसे जा सकते हो तुम? ऐसी गलती मत करो वरना तुम्हें कभी भी सुख और चैन नहीं मिलेगा। अभी भी वक्त है, संभल जाओ। लेकिन आप मेरे बारे में इतना सब कैसे जानते हैं?
कौन हैं आप? चंद्रा का भाई हूं मैं। कुछ रिश्ते जन्म जन्म के होते हैं, जिन्हें निभाना हमारी जिम्मेदारी है। मेरा और चंद्रा का रिश्ता ऐसा ही है, और तुम्हारा और चंद्रा का भी। इसीलिए तुम्हें आगाह कर रहा हूं। मेरी बहन यहां आ रही है, वो जब तक यहां नहीं आती तुम यहां से नहीं हिलोगे। अगर जाने की कोशिश भी की तो समझ लेना, मैं यहां ना होकर भी यही हूं। रामचंद्र, बहुत कम लोगों को अपनी गलती सुधारने का दूसरा मौका मिलता है, यह अवसर तुम्हें मिल रहा है, वो भी अभी। इसे गंवाना मत। भाई आप धन्य हैं, अपने भाई होने का धर्म निभाया। अगर आज आप नहीं होते तो मैं इन्हें कभी नहीं ढूंढ पाती, और शायद मैं भी अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर बैठता। अब सब ठीक हो गया है, आप मेरे साथ हैं, साई का हाथ हमारे सर पर है, मुझे विश्वास है अब हमारी जिंदगी की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। चलिए। हाँ, लेकिन पंडरपुर या विलीपाले नहीं, शिरडी। हम शिरडी जाएंगे। अब तो मुझे भी साईं से मिलना है। श्रद्धा गगन के जैसी जागे तेरे मन में, सबूरी धारा के जैसी राखे जीवन में, राह ये सरल है सीधे प्रभु से मिलाए, बात ये अनोखी हमको साई सिखाए, भेंट यही साई चरण में दे दे चढ़ाए, कुछ नहीं मांगे साई के सिवाय। प्रणाम साईं। राम जी भला करे। मैं तुम्हें ही याद कर रहा था केशव, एक काम था तुमसे। कहिए ना साईं। एक जोड़ी धोतर लाके दोगे? जरूर साईं। वैसे धोतर किन के लिए मंगवा रहे हैं आप? जावई बापू के लिए। वो आ रहे हैं ना, उन्हीं का मान करना है। जावई बापू? हाँ, चंद्राताई के पति मेरे जावई बापू ही हुए ना। मतलब सब ठीक हो गया साईं? ठीक तो होना ही है केशव, राम जी की कृपा सब पर बनी रहे। राम जी की कृपा के साथ साथ आपका आशीर्वाद भी तो शामिल है साईं।
जिससे उनकी बिगड़ी संवर गई। आप कभी अपना योगदान स्वीकारते तो नहीं है, है ना साईं? ठीक है साईं, मैं धोतर लेके आता हूं। मैंने बहुत गलतियां की हैं, आप तो जानते ही हैं, मेरी जगह आपके चरणों में है, तभी जाके मुझे क्षमा मिलेगी। चंद्राताई के पति हैं, हमारे दाजी हैं आप, आपकी जगह यहां है। बार आप मुझ पर बहुत नाराज हुए थे, तो मुझे लगा आप शायद मुझसे बात ही ना करें, बैठो। Thank you.
उस वक्त आप गुस्से में बहुत बड़ी भूल करने जा रहे थे। प्रचंड क्रोध से ही आपके क्रोध को दबाया जा सकता था और आपको उस गलती को करने से रोका जा सकता था। हुआ भी यही। पता है दाजी, किसी भी गृहस्थ का पहला कर्तव्य उसके अपने परिवार के प्रति होता है। पत्नी को छोड़कर जाने वाला ईश्वर की नजरों में भी अपराधी बन जाता है, क्योंकि जो जिम्मेदारी नहीं समझ सकता वो ईश्वर को भी नहीं समझ सकता। और मैं आपको ईश्वर की नजरों में गिरने से रोकना चाहता था, और आपने रोक भी लिया। इसके लिए जीवन भर में आपका आभारी रहूंगा साईं, और मैं इस बात के लिए भी क्षमा चाहता हूं कि मैंने चंद्रा को छोड़कर जाने की भूल की। आपको क्षमा की नहीं, सुधार की जरूरत है दाजी, क्योंकि भले ही आप ये गलती दोबारा ना करें, लेकिन जब तक आप अपने क्रोध को खुद पर हावी होने देंगे, कोई ना कोई गलती होती रहेगी आपसे। इसलिए सबसे पहले आपको अपने गुस्से पर काबू रखना होगा। क्या गलत के खिलाफ लड़ना सही नहीं है साईं? दाजी, क्या मेरी मदद करेंगे? अवश्य साईं, कहिए। गांव में एक आदमी को चोट लगी है, हाथ में जख्म हो गया है, उसके लिए मलहम बनाना है। फिर तो मैं आपकी जरूर मदद करूंगा साईं। बताइए मुझे क्या करना है। वहां लाल मिर्च रखी है, उन्हें कूटकर लेप बनाना है। मिर्च का लेप? उस लेप से जख्म ठीक नहीं होगा, बल्कि जलन से जख्म और बढ़ जाएगा। अगर बनाना है तो चंदन और दूध जैसे ठंडक पहुंचाने वाली चीजों से लेप बनाइए साईं। यही तो आपको समझाना चाह रहा हूं मैं। यहां भी वही नियम लागू होता है दाची। अन्याय के खिलाफ लड़ना गलत नहीं है, लेकिन आवेश से, गुस्से से आप हालात को और बदतर बना देते हैं। इंसान का दिमाग एक पेड़ की तरह है, और गुस्सा वो बेल है जो उस पेड़ के सहारे बढ़ती है। अगर इस बेल को अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो वो उस पेड़ को ऐसे घेर सकती है कि उसके बाद ना तो पेड़ को हवा नसीब होगी, ना ही धूप। और इस तरह एक दिन वो बेल उस पेड़ को सड़ा देती है, उसका अस्तित्व ही मिटा देती है। और इसी तरह गुस्से ने आपको आपके उद्देश्य से दूर कर दिया। क्षति आपको ही पहुंचे, शांत रहकर, संयमित होकर गलत का विरोध करना सीखना होगा आपको।
ऐसा करने के बाद ही जो परिवर्तन आप लाना चाहते हैं वो ला पाएंगे। आपने जो बात कही 16 आने सच है, लेकिन एक सच ये भी है कि मैं कितनी भी कोशिश करूं मेरा गुस्सा काबू में ही नहीं आता। क्या करूं, मैं हार गया हूं इससे। अब आपकी शरण में आया हूं साईं, आप ही कुछ उपाय बताइए। जब भी गुस्सा है तो मन में 10 बार अपना ही नाम जप लीजिएगा। रामचंद्र नाम में इतनी शक्ति है कि वो मन को स्थिर भी करेगा और सही फैसला लेने की समझदारी भी देगा। क्या इससे हो जाएगा साईं? भगवान शिव ने पार्वती माता से कहा था, श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। श्री राम का नाम सिर्फ एक बार लेने से अखंड विष्णु सहस्र नाम का पुण्य मिल जाता है। इतनी शक्ति है उनके नाम में। राम जी भला करें। ताई, अष्टपुत्र सौभाग्यवती भाव। आशीर्वाद कैसे फलीभूत हो सकता है, इसके बारे में सोचना तो मैंने कब का छोड़ दिया। आप मुझे आशा मत दिलाइए। एक बार हालात से समझौता कर चुकी हूं, फिर मैं ये दुख नहीं सह सकती। हाँ साईं, हम जानते हैं कि यह खुशी हमारे भाग्य में नहीं है। तो साहिब, इसके बारे में अब मैंने सोचना ही छोड़ दिया है, क्योंकि मैंने ये सत्य स्वीकार कर लिया है और इस सत्यता के साथ जीना भी सीख लिया है। इसलिए मेरे दिल की तसल्ली के लिए मुझे ऐसे दिलासा मत दीजिए। ऐसा क्यों कहती हो ताई? सच्चे दिल से की गई प्रार्थना राम जी तक हमेशा पहुंचती है। और उनके लिए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। साईं, हमने सारे व्रत पूजा पाठ किए हैं, कई वैद हकीमों यहां तक कि डॉक्टर को भी दिखाया है, हर कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ। एक अरसा हो गया है हमारी शादी को। अगर हमारी किस्मत में संतान का सुख होता तो अभी तक मिल गया होता साईं। और अब तो चंद्रा भी 51 साल की हो चुकी है, अब कहां यह संभव है। राम जी के दरबार में कभी देर नहीं होती है। ताई, इस साल कोकिला व्रत करो।
कुछ दिनों में आषाढ़ अधिक मास आ रहा है। उस मास की शुद्ध पूर्णिमा के दिन इस व्रत का आरंभ करो। दिल से और पूरी श्रद्धा से ये व्रत करो। अगर राम जी ने चाहा तो तुम्हारी सच्चाई और अच्छाई का फल तुम्हें मिलकर रहेगा ताई। तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। मन में श्रद्धा और सबूरी हो तो मनोवांछित सुख की प्राप्ति निश्चित है। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। राम जी सदा अपने भक्तों की रुचि रखते आए हैं। वेद पुराण साधु और देवता इसके साक्षी हैं। ओ जीवन डगर कभी जो कठिन हो जाए, मन विचलित हो और कोई मार्ग न पाए, तू श्रद्धा पथ पे सबूरी धर के बिना डिगे बस चलता जा। तेरी श्रद्धा भक्ति धीर तुझे उस पार लगाए, तेरा संयम और विश्वास तुझे राह दिखाए। संध्या होने वाली है और अभी तक भोग की सामग्री पूरी तरह से तैयार नहीं कर पा रही हूं मैं। आमरस बना लेती हूं मैं। अलख निरंजन, लगता है कोई साधु आए हैं द्वार पर। शुभ संकेत है ये। भोग चढ़ाने के बाद उन्हें अन्नदान करूंगी। अभी थोड़ा समय है इसलिए साधु महाराज को थोड़ी देर रुकने के लिए कहती हूँ। अलक निरंजन, क्या देख रही हो बेटी? कुछ नहीं बाबा, आपको देखकर किसी की याद आई। द्वार पे आए साधु को भोजन दान नहीं दोगी? जरूर बाबा, बस आप थोड़ी देर इंतजार कीजिए। मेरा कोकिला व्रत चल रहा है। भगवान के लिए भोग बना ही रही थी। भगवान को भोग लगा देती हूँ, फिर आपको भोग दे देती हूँ। आप थोड़ी देर इंतजार कीजिए। रमता जोगी बहता पानी, साधो और बहते पानी को ज्यादा देर रोकने से नुकसान होता है। और हाँ, हमने संकल्प लिया है कि हम भोजन में सिर्फ गुड़ की रोटी
और लहसुन की चटनी ही खा सकते हैं, इसलिए वही लेकर आना। माफ कीजिए बाबा, मेरा कोकिला व्रत चल रहा है और अभी मुझे भोग लगाना है, इसलिए मैं और कुछ बना भी नहीं सकती। आप थोड़ी देर इंतजार कीजिए, मैं पूजा समाप्त करके आती हूँ। हम तीर्थ यात्रा पर निकले हैं पुत्री, रात होने से पहले अगले गांव जाना है। और हाँ, हम हमारा संकल्प भी नहीं तोड़ सकते, मुझे तो गुड़ की रोटी और लहसुन की चटनी ही खाना है बिना विलंब। ऐसा कैसा संकल्प है इनका? भगवान के लिए मुझे माफ कर दीजिए बाबा, आप मुझे समझने की कोशिश कीजिए, मैं मजबूर हूँ, बिना भोग चढ़ाए मैं आपको कुछ भी नहीं दे सकती। तो क्या तुम घर आए साधु को भूखा भेज दोगी? नहीं बाबा, बिना खाना दिए मैं आपको लौटाना नहीं चाहती, पर आप भी मेरी मजबूरी समझने की कोशिश कीजिए। देना न देना सब तेरे हाथ में, यदि बिना विलंब किए नहीं दे सकती तो मैं भूखा ही जाता हूँ। अलख निरंजन। साई, आप सब जानते हैं मैंने जानबूझकर उन्हें नहीं लौटाया, मेरी मजबूरी थी। लहसुन की चटनी, लेकिन ये सब तो मैंने नहीं बनाई। क्या हुआ चंद्रा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, आपने किसी साधु को जाते हुए देखा? साधु? हाँ, अब एक साधु यहाँ आया था, उन्होंने मुझे कहा उनको खाने के लिए कुछ चाहिए। मैंने कहा मैं भोग लगा रही हूँ, भोग चढ़ाकर खाना दे देती हूँ, तो वो निकल गए। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, उन्हें खाली लौटा दिया। उन्हें ढूंढते हैं। हाँ चलो, दोनों मिलकर ढूंढते हैं।